नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो जितने भी 10th 12th के छात्र छात्राएं झारखंड बोर्ड दिए हैं, उन लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप लोग का रिजल्ट अच्छा ही होगा और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो जैसा कि जेक बोर्ड ने रिजल्ट घोषित कर दिया है डेट, और इसका डेट कब आने वाला है, रिजल्ट 21 तारीख को, तो मई में ही आएगा रिजल्ट। कितना तारीख को आएगा तो आज इसी के बारे में हम बताएंगे। तो आप रिजल्ट देखने के लिए तैयार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही रिजल्ट का अपडेट आएगा, हम इस चैनल में आपको अपडेट कर देंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे देखिए लाइक बटन आ रहा होगा, उस लाइक बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रिजल्ट का जैसे ही अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले दे दिया जाएगा। और इस बार सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास करने वाले हैं, क्योंकि इसका पैटर्न कुछ चेंज किया गया था। जैसा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो इस बार सभी विषयों में प्रैक्टिकल कर दिया गया था, जो कि 20-20 मार्क्स का है, जो आपको स्कूल तरफ से दिया जाएगा। तो अगर आपको 19 या 20 भी मिलेगा, तो 18 भी मिलेगा तो बहुत है, और आप इस नंबर के थ्रू आप टॉप कर सकते हैं। और टॉप का कॉपी आपको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, इसका भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, मई में रिजल्ट आने का है, तो कितना तारीख को रिजल्ट आने का है, इसी का अपडेट आज हम देने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक फिर रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले रिजल्ट का अपडेट पाने के लिए सबसे। तो चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक, इंटर, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ। जी हाँ दोस्तों, एक साथ मैट्रिक और साइंस का रिजल्ट, इंटर का एक साथ ही जारी किया जाएगा, जो कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी एक साथ जारी करने का आदेश दिया है झारखंड एकेडमी काउंसिल ने। तो देखिए, 8वीं और 9वीं बोर्ड के बाद, देखिए 8वीं और 9वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद आप जेक ने मैट्रिक इंटर साइंस का मूल्यांकन कॉपी जारी कर दिया गया है, और इसका पुस्तक की जांच पूरी तरह कर ली गई है और ये रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बिहार बोर्ड ने रिजल्ट सबसे पहले निकाला पूरा हिंदुस्तान में और अपना रिजल्ट को दिखाया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शित किया है बच्चों ने। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट बहुत ही अच्छा लाएंगे, और आप अपना वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, आप वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न अवश्य लिखें, आपको हौसला और उम्मीद मिला रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा रिजल्ट, आर्ट्स और देखिए इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट और मैट्रिक का रिजल्ट साथ में 15 मई को इसको तय किया गया है। 15 मई को किसी भी हालत में एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये लेट थोड़ा इसलिए हो गया क्योंकि 6 तारीख को इलेक्शन था, इसीलिए अब इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, देखिए 15 10 हो सकता है, अगर पहले हो जाएगा तो 10 तारीख को ही रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, पिछले बार 20 जून को रिजल्ट निकाला गया था, तो पिछले बार आपको पता ही होगा एग्ज़ाम भी लेट से लिया गया था मार्च में, और इस बार फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था आपका एग्ज़ाम। तो देखिए, आपको 10 से 15 मई के बीच में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और अपना रिजल्ट कहाँ से चेक करेंगे इसका भी हम वीडियो आपको बना के दे देंगे, आप अपना रिजल्ट खुद से चेक कर सकते हैं, और उस वेबसाइट में आपको कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी, आप फास्ट उसमें देख सकते हैं, आपको वेबसाइट स्लो भी नहीं रहेगा। और वो वेबसाइट बहुत लोगों को नहीं मालूम है, आप जेक झारखंड एकेडमी काउंसिल के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ से आप रिजल्ट नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि वो साइट बहुत ही बिजी रहेगा और आपको वहाँ सिर्फ आपको टोटल मार्क्स बताएगा, और हम जिस वेबसाइट का आपको बताएंगे वो उसमें आपका सभी विषयों का मार्क्स बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।